यस बेटा, गुड मॉर्निंग। टुडेज आवर टॉपिक इज वेरियस फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। एज वी नो, एंड्योरेंस इज अ एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड देर इज अ मेजर रोल ऑफ एंड्योरेंस इन ईच एंड एवरी sports and games. Following are the different factors which determine endurance. First one is intake of oxygen. It is totally depend upon the lungs capacity. ठीक है, the amount of oxygen we inhale, intake more is the amount of oxygen absorbed by our lungs, more will be the volume of oxygen consumed. A healthy person or sports person has high volume of oxygen consumption, which enhance endurance. ठीक है, it means कि जो आपकी lungs की capacity है, ठीक है, intake of oxygen from the atmosphere, उस पे आपकी endurance depend करती है. ठीक है, the more intake, the more you have the capacity, more you consumption of oxygen, and it will give you a good endurance. This is the main first point, is intake of oxygen. Then lactic acid. Lactic acid, whenever we are doing any exercises, any strenuous exercise, तो आपकी जो body में होता है lactic acid accumulate हो जाता है. ठीक है, the more tolerance you have, the more you have endurance. Means कि अगर जो आपकी body lactic acid को bear करने में कितनी उसको tolerance capacity उसकी है, that will show your endurance. Some persons क्या होता है, वो दे स्टॉप एक्टिविटीज, दे कांट कंटिन्यू देयर एक्टिविटीज ड्यू टू एक्लिमेटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर बॉडी. द मोर लैक्टिक एसिड देन लेस एंड्योरेंस. अगर आपकी बॉडी उसको टॉलरेंस नहीं कर पाती है, उसको बियर नहीं कर पाती है, तो आपकी एंड्योरेंस कम हो जाएगी. बट बॉडी आपकी बियर कर रही है, टॉलरेंस कर रही है उसको, तो क्या होगा, इट इज इम्प्रूव endurance without getting tired. You are continue that activity without feeling any fatigue. So this is the one of the major point, lactic acid tolerance. Aapki body isko kitna tolerance karti hai. Then your cardiac output. The more cardiac output means the amount of blood pumped by your heart per minute. ठीक है, that is called cardiac output. The more blood pumped by the heart, the more oxygen in your whole body part through the blood. तो उससे क्या होगा, आप में energy level बना रहेगा, आपकी endurance अच्छी होगी है. जितने भी आपके हाईली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका जो कार्डिक आउटपुट होता है वो नॉर्मल पर्सन से बहुत जाता है, ज्यादा होता है. इसी में आपका स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, कार्डियक आउटपुट मीन्स द ब्लड पंप बाय द हार्ट इन वन मिनट. That is your cardiac output.
and stroke volume is a in each contraction amount of blood pumped by the heart is called stroke volume. ठीक है, इस पे आपका बहुत डिपेंड करता है आपकी इंड्योरेंस. द मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप बाय द हार्ट द मोर एनर्जी यू हैव. ठीक है, और इसका एक और होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो हाईली ट्रेन स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनकी जो पल्स होती है, उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल पर्सन से कम होता है बिकॉज ड्यू टू दिस कार्डिक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. नॉर्मल पल्स जो आपकी होती है 72 बीट पर मिनट होती है, जो हम नॉर्मल पर्सन के लिए लेते हैं, और जो आपका ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80 होता है. ठीक है, तो जितने भी आपके हाईली ट्रेन स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी जो पल्स होती है दैट इज बिलो 72. व्हाई? द मेन रीजन ऑफ दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट. बिकॉज जो हम नॉर्मल एक 72 बोलते हैं नॉर्मल पर्सन के लिए, बट दोज हु आर हाईली ट्रेन स्पोर्ट्स पर्सन उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है, जो ब्लड पंप बाय द हार्ट इज मोर देन अ नॉर्मल पर्सन, दैट्स व्हाई देयर पल्स इज बिलो 72. वी हैव अ सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन दोज हु हैव अ पल्स नियर अबाउट 60. दोज हु आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो रेसर्स होते हैं आपके लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, जो मैराथन रेसेस के होते हैं, आपके जो साइकिलिस्ट होते हैं. ठीक है, वन ऑफ द प्लेयर्स लॉन टेनिस बोरिस बेकर, उसकी पल्स भी बहुत डाउन थी. ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत स्टडी की है स्पोर्ट्स मेडिसिन ने, उसमें वो देखते हैं कि हर जो इंटरनेशनल लेवल का डिफरेंट गेम्स का है उसकी जो पल्स क्या है, उसकी कैलोरीज पर मैच कितनी बर्न होती है. जितने भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे ब्रांचेज हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, बायोमैकेनिक्स हैं, फिजियोलॉजी है, ठीक है, दे कीप ऑन आई ऑन द पर्टिकुलर डाइट शेड्यूल, कैलोरीज बर्न, आपकी कितनी स्ट्रेंथ यूज हो रही है. ठीक है, आपको कितने एंडोरेंस की वहां पे जरूरत है आपकी एक्टिविटीज में. अकॉर्डिंग टू दैट दे मैनेज द डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स. ये नहीं है कि ट्रेनिंग मेथड ऐसे ही बन जाते हैं. दे स्टडी वो सारे आपके एथलीट, समटाइम यू हैव सीन सम प्लेयर्स दे हैव अ बैंड ओवर हेयर, उससे वो क्या करते हैं, दे कम्स टू नो कि हाउ मच कैलोरीज अ पर्सन बर्न इन अ डे व्हाइल दे आर डूइंग एनी स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो कितनी कैलोरीज एक आदमी को चाहिए जो रिगोरियस एक्सरसाइजेस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, उसी के उस पर आपकी सारी ट्रेनिंग का शेड्यूल बना होता है. ठीक है, तो इसमें कार्डियक आउटपुट आ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया. द मोर amount of blood pumped by the heart, the more energies you got. Then hydration and dehydration. Hydration, dehydration. आपका जो endurance होती है वो आपका आपकी जो body है proper hydrate होनी चाहिए. ठीक है, sometime you have seen whenever we are doing any activities, strenuous activities, we have a lot of sweating. बहुत ज़्यादा sweating हो जाती है, उससे क्या होता है, dehydrate body आपकी हो जाती है. जब भी कोई आपने मैच देखा होगा खेल रहे हैं, कोई लॉन्गर ड्यूरेशन की एक्टिविटीज होती हैं, उससे डिहाइड्रेशन से क्या हो जाएगा, क्रैम्प आपको आ जाएंगे. ठीक है, समटाइम देयर इज अनदर प्रॉब्लम रिगार्डिंग इंजरीज, तो आपकी इंड्योरेंस में उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. उसको अवॉइड करने के लिए वन शुड बी प्रॉपरली हाइड्रेट होनी चाहिए उसकी बॉडी. ठीक है, तो दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन. देन आपका हाइड्रेशन, इसको हम बुक लिख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रेटेड. ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आ जाता है मसल. मसल कॉम्पोजिशन, As earlier we discussed regarding this composition of muscles,
so many times in many topics, the composition of muscles you have studied. आपको एक बार इसको अच्छी तरह से और डिफाइन कर देते हैं. जो बॉडी में हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है, जो मसल फाइबर्स होते हैं, दे आर टू टाइप्स मसल्स फाइबर आर देयर. एक होते हैं आपके स्लो ट्विच फाइबर मसल्स, जिसको हम मसल कंपोजिशन में उसको बोलते हैं कि टू टाइप्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ मसल्स आर देयर. ठीक है, वन इज स्लो ट्विच फाइबर मसल, अनदर इज फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स. ठीक है, तो जो आपके स्लो ट्विच फाइबर मसल्स होते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं स्लो ट्विच फाइबर मसल. स्लो ट्विच फाइबर मसल एंड फास्ट, ठीक है, स्लो ट्विच फाइबर मसल्स को हम रेड मसल्स भी कहते हैं. स्लो को रेड, स्लो ट्विच फाइबर मसल्स मीन्स इसको हम रेड भी बोलते हैं, रेड मसल्स. दिस इज वाइट. ठीक है, तो स्लो ट्विच फाइबर मसल्स, जिसकी बॉडी में कंपोजिशन ऑफ ये दिस टू, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड वन, दिस इज स्लो ट्विच फाइबर मसल्स मींस रेड. जिसकी बॉडी में स्लो ट्विच फाइबर मसल्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, दैट पर्सन इज गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, जिसको हम बोलते हैं इंडोरेंस. ठीक है, तो वो आदमी इंडोरेंस एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट होता है. ठीक है, और ये आपका एक जेनेटिक होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. इसको बेटा अच्छी तरह से एक बार अंडरस्टैंड कर लो. देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर इन आवर बॉडी. वन इज स्लो ट्विच फाइबर मसल, अनदर इज फास्ट. स्लो ट्विच फाइबर मसल मींस रेड मसल्स. जिसकी बॉडी में स्लो ट्विच फाइबर मसल का कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, दैट मसल इज ए गुड फॉर एंडोरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स. और जिसकी बॉडी में फास्ट ट्विच फाइबर मसल मींस वाइट ज्यादा होंगे, दैट पर्सन इज गुड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंटिंग इवेंट्स. और ये आपका एक जेनेटिक होता है. ठीक है, इसको आप कोई चेंज नहीं करते हैं, कर सकते हो आप. दिस इज जेनेटिक. तो ये स्टडी करते हैं, वो लैब में टेस्ट करते हैं मसल फाइबर को डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन के, कि कॉम्बिनेशन ऑफ विच मसल फाइबर मोर इन वंस बॉडी. अकॉर्डिंग टू दैट दे विल एडवाइज दैट पर्टिकुलर पर्सन टू पार्टिसिपेट इन पर्टिकुलर रिलेटेड एक्टिविटीज. ठीक है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर दैट पर्सन, दैट स्पोर्ट्स पर्सन. अदरवाइज क्या होगा, हम स्लो ट्विच फाइबर मसल्स को 100-200 मीटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं. ठीक है, अगर फास्ट ट्विच फाइबर मसल है उसको हम एंडोरेंस के लिए बोल रहे हैं, देन इट विल बी एडवर्स इफेक्ट. तो परफॉर्मेंस उसकी नहीं जाएगी. देर इज ए लिमिट. जो आपकी एक बॉडी होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है. हर आदमी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी जो शेप है, जो बॉडी आपकी है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस होती है. ठीक है, एक का बॉडी स्ट्रक्चर दूसरे से डिफरेंस होता है. तो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द योर बॉडी वेट स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी, यू नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, सबको हम उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं. देन योर नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ऑफ मूवमेंट. जो आपकी मूवमेंट होती है, दैट शुड बी इकोनॉमिकली. अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड, सिंपल है. व्हेन एवर यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी, जो अननेसेसरी आपकी जो मूवमेंट्स हैं उसको आपको अवॉइड करना होता है.
ठीक है, कोई भी आप ऐसी मूवमेंट नहीं करो जिससे आपकी एनर्जी, जिसमें आपके एंडोरेंस में क्या हो, प्रॉब्लम आए, ठीक है, जिस चीज का आपको यूज नहीं है, जिस मूवमेंट की आपको कोई वहां पे कोई जरूरत नहीं है, डोंट डू दैट एक्टिविटी। उससे क्या होगा, आपकी एंडोरेंस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स, दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स विच डिटरमाइन एंडोरेंस ऑफ ए पर्सन। आपका इंटेक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर लंग्स कैपेसिटी। हम बोलते हैं ना, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, द मोर एल्वोलीज इन्वॉल्व, वो ओपन होती है। अगर आप डेली कोई फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, देन योर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस पावर आप में कितनी है, आपका कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, देन हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेट आपकी बॉडी प्रॉपर होनी चाहिए, देन आपका मसल कंपोजिशन। दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स विच इन्वॉल्व इन एंडोरेंस। जो भी आपकी एंडोरेंस है इसी पे आपकी डिपेंड करती है, दीज आर द मेन पॉइंट्स। देन आपका नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ जाता है स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, अगर आप फिजिक्स में साइंस से रिलेटेड इसको करो। बट व्हाट वी कैन से, आपने मैक्सिमम वर्क मिनिमम टाइम में करना है, दैट इज योर स्पीड। कोई भी आप एक्टिविटी आपको दी जाती है, आप उसको मिनिमम टाइम में करते हो, दैट इज योर स्पीड। और स्पीड का बहुत रोल होता है आपकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है। सेम आपको इसमें भी वही आपको मेन आ जाएगा, कंपोजिशन ऑफ योर मसल्स, जो आपके मसल्स हैं उसकी जो कंपोजिशन है, एज अर्लियर वी डिस्कस स्लो ट्विच फाइबर मसल एंड फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स, तो सेम इन द केस ऑफ स्पीड, द मोर यू हैव अ फास्ट ट्विच मसल्स द मोर यू हैव अ स्पीड, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ मसल्स ये डिपेंड करता है आपके कंपोजिशन ऑफ मसल्स में कि विच मसल्स यू हैव मोर। सिंपल है बेटा, स्लो एंड फास्ट। इसके बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मींस कि आपका रेंज ऑफ जो आपने मूवमेंट करनी है, ठीक है, अगर आपके मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी है वो एकदम जनरेट करेंगे स्पीड को, ठीक है। अगर वो फ्लेक्सिबल हो गए तो वो कलेक्टिवली आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आपकी यूज करेंगे। व्हेनेवर वी नीड एनी स्पीड इंस्टेंट, बहुत जो आपने बहुत तेज जब भागना होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेट करना है, ठीक है, उसमें आपका रिएक्शन टाइम अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल जिसकी बॉडी होगी वो क्विकली क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो उसमें वन शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद आपका आ जाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। Explosive strength. Whenever we are doing any activities, ठीक है, quick action where we need a quick and explosive movement. आप जैसे आपने sprint करनी है, speed, आपको एकदम quick, fast, जिसको मतलब quick movement, explosive movement you need. उसके लिए आपको explosive strength is needed. ठीक है, जितना तेज आपने कोई एक्टिविटीज करनी है, रिएक्ट करना है, तो यू नीड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। आफ्टर दैट यू कैन मूव क्विकली, यू गिव द रिस्पॉन्स क्विकली, आपकी जो मूवमेंट हो वो एक्सप्लोसिव मूवमेंट होती है,
ठीक है, देन इसमें आ जाता है बॉडी शेप एंड साइज, आपका नेक्स्ट आ जाता है जो बॉडी है आपकी उसकी शेप एंड साइज। हर इंडिविजुअल की बॉडी शेप, ठीक है, उसके लिम हाइट दे आर डिफरेंट टू अनदर इंडिविजुअल, तो उसमें क्या हो गया आपकी शेप बॉडी की, योर लिम्स उसकी शेप, ठीक है, हाइट लिम्स की आपकी हाइट क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं, ठीक है। एज यू नो वी हैव सीन द स्प्रिंटर्स 100 मीटर 200 मीटर दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, यू कैन सी दे आर अ वेरी गुड मस्कुलर बॉडी, ठीक है, जो उनकी बॉडी होती है वो बहुत मस्कुलर होती है जिसको हम मेसोमॉर्फी बोलते हैं, बिकॉज मसल्स दे हैव टू गिव एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर उसमें स्ट्रेंथ होगी तो जेनरेट द स्पीड तभी आप तेज भाग सकते हो, ठीक है। कभी भी आपने किसी पतले स्लिम और लॉन्ग एथलीट को 100 और 2 मीटर 100 में नहीं देखा होगा, दे आर अ वेरी गुड मस्कुलर बॉडी, उनका जो बॉडी पोस्चर होता है तो दैट इज मेन रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पीड। देन मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें एक आपको देयर इज अ वन टॉपिक मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक से रिलेटेड हम बोलते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी है, जो हमारे एनर्जी का इमीडिएट सोर्स होता है बॉडी में, दैट इज एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उसको हम बोलते हैं, ये दो होती है बेटा एटीपी, ठीक है, वन इज एटीपी अनदर इज सीपी, ये आपकी बॉडी में जिसके सोर्सेज बोथ आर द सोर्स ऑफ एनर्जीज, जो इंस्टेंट आपको एनर्जीज देते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा आपकी बॉडी में इसका स्टोर होगा, ठीक है, वो पर्सन आपका स्पीड के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल, बहुत अच्छा होगा। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर, वी विल डिस्कस लेटर ऑन फ्लेक्सिबिलिटी।